नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मणि नगर परिषद वार्ड नंबर 13 से पार्षद कार्यवाहक कृष्णा मुरारी गुप्ता। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान पार्षद आसादेव भी है। चलिए लाइव सेशन में बातचीत करते हैं पार्षद कार्यवाहक कृष्णा मुरारी गुप्ता से। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। कृष्णा जी, कार्यकाल कैसा रहा आपका? कार्यकाल ठीक रहा। कौन कौन सा कार्य हुआ वार्ड में विकास के लिए कृष्णा जी? विकास के लिए नली गली के काम हुआ। नली गली जो मेन रोड पर पानी लग रहा था आजाद नगर, पानी का हम लोग निकासी करवाए वार्ड से। और हाँ हाँ, वो पानी निकासी हुआ वहाँ पर, ये माने कि गंदगी सब सफाइया हुआ हुआ से हुआ। और अभी जो फिलहाल हम लोग के वार्ड में नाला नाली नली गली के काम जो हुआ है, तो उस नली गली का मेन नली से जुड़ाव नहीं है, उसका पानी निकासी नहीं हो रहा, जो गांव में ही रह जा रहा है वो जल जमा होकर और गंदगी मच्छर का फैलाव हो जा रहा है। समस्या हो रही है इस वक्त। हाँ, जल जमाव की समस्या है कि गांव का पानी निकासी नहीं हो रहा है। छोटा नाला बन गया है लेकिन बड़ा नाला में जुड़ नहीं पाया। नल जल योजना की क्या स्थिति है, उस पर कितना कार्य हुआ है? नल जल योजना में एक नल जल योजना जो बना है, जो मेन रोड से नली जो नाला बना है उसमें पाइप कट गया, 6 महीना से पाइप कटा हुआ है। उसका पाइप, उसके लिए हम जहाँ तहाँ आवेदन डलवाए हैं, पटना भी और मनेर भी में भी, मनेर नगर पंचायत मनेर में भी, लेकिन वहाँ से समाधान नहीं हुआ। 6 महीना से हमारा नल जल ठप है और एक नल जल फिर माने कि चालू, दो नल जल के लिए एक नल जल फिर माने कि बनने के लिए पाइपलाइन बिछा हुआ है, अधूरा बिछा हुआ है, उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। पानी की दिक्कत हो रही होगी लोगों को। हाँ, पानी की समस्या का बहुत दिक्कत है। कृष्णा जी, आवास का लाभ कितने लोगों को हुआ? 181 आवास यहाँ पर पास था, उसमें कुछ अभी तक नहीं बन पाया है। क्या वजह रही? कुछ लोग के जमीन का कागजात रसीद उसीद नहीं था, ये वजह से नहीं बन पाया। अच्छा, वार्ड में आपके राशन वगैरह लोगों को सही तरीके से मिल रहा है? नाम वगैरह जुड़ गया लोगों का? हाँ, नाम राशन कार्ड भी बना है और महीने महीने राशन के बटा उठा होता है, बटता भी है। पेंशन का लाभ कितने लोगों को हो रहा है कृष्णा जी? पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए 250-300 लगभग। कृष्णा जी, आगे चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव के लिए हम लोग गांव-गांव संपर्क जनता से अभियान में जुड़ के अपना समाधान को रख रहे हैं कि हम ये काम किए, अच्छा काम किए, या किसी प्रकार के लाइट फाइट वाला भी काम हुआ, हम लोग विकास के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं हम लोग। और हम लोग के बहुत जब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कृष्णा जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है लोगों का? लोग फिर समर्थन करेंगे आपको? हाँ, गाँव लोग सपोर्ट ना गाँव लोग सपोर्ट है, आशा देवी के सपोर्ट में है। और ये बताइए कि अगर जीत करके आते हैं तो और क्या कुछ करना है वार्ड में? अब गांव को माने कि उसके लिए कुछ कहना ही नहीं है कि मैंने जितना जिम्मेवारी हमारा बनता है कि आशा देवी की जितना जिम्मेवारी बनने गई कि जितना सफाई से लेकर और जितना विकास के काम होगा उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी अधूरा कार्य है उन सब चीज़ों को पूरा कीजिएगा आप। हाँ, सब अधूरा काम को पूरा कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा चुनाव को लेकर? जन संदेश देना चाहते हैं कि हम जो लोग जितना काम हम लोग किए उसमें बढ़ चढ़ के लोग माने हमारा फिर अपना समर्थन देकर आप जीत करवाएं कि फिर हम जनता के सामने अधिक से अधिक काम करके दिखाएं। और वार्ड में ये आपका पहला कार्यकाल था कि पूर्व में भी रहते हैं? नहीं, मेरा वार्ड 13 था, वो 2 वार्ड में विभाजित हो चुका है 16-17 में। जी, तो आप पहली बार इस वार्ड में जनप्रतिनिधि के रूप में आए ना, इसके पूर्व में भी रह चुके हैं? नहीं, अभी जो 5 साल पूर्ण रहा है 17 से 22 उसमें है। पहला कार्यकाल रहा आपका, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने का। और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी है, तो आगे आपको जरूर मौका मिले। चुनाव को लेकर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
तो ये रहे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए पार्षद कार्यवाहक कृष्ण मुरारी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों का कार्यकाल रहा और 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कार्य तो किए, विकास की योजनाओं को धरातल पर भी उतारा, लेकिन उन्होंने कहा कि नल जल योजना पे बहुत कमियां हैं और पानी की पाइप वगैरह टूट गई है, लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन लोगों में मेरे प्रति जन समर्थन है, लोग मुझे अपना सहयोग देंगे आगे भी, ऐसा मुझे भरोसा है, और दोबारा जीत करके आऊँगा तो जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।